हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 12th फिजिक्स का प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, मैंने पूरे पार्ट का 1 से लेकर 6 तक के पार्ट का चैप्टर का मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो वो जाकर देख लीजिए, मैं बिल्कुल बारीकी से बताया हूँ, 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल से डेली पढ़ते हैं तो आप 90% पार भी कर सकते हैं। ओके, बोर्ड परीक्षा में आपका 4 नंबर पक्का कर देगा। ये जो आज मैं सर्किट वाला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का जो कहना है वो है कि मोर सक्सेस लेस टाइम, यानी कि अधिक सफलता कम समय में। क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के बिल्कुल जो एकदम गोल्डन टाइप के क्वेश्चन है उनको कराया जाता है, जिनका चांस बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 100% रहता है। क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो बिल्कुल मॉडल पेपर से रहता है, और ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन आप बोर्ड एग्ज़ाम की किसी भी पेपर को उठा कर देख लेंगे, उसमें ये पक्का है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आया हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपका कि दिए गए परिपथ में, यानी ये एक सर्किट है, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल, फिर दूसरा है परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित है कि आता है। आप बोर्ड एग्ज़ाम के किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए। तो इसमें अगर हम हल करेंगे, तो हल करने से पहले इसमें हम पता करेंगे कि दिया गया जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है। ठीक है, तो देखिए, ये जो सिंबल है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, यानी कि ये जो वोल्ट दिया है वो किसका वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है। ठीक है गाइस, ये किसकी वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है, यानी ये प्रतिरोध का वोल्टेज है। और ये जो सिंबल है ये हमने पढ़ा है किसका, कैपेसिटर यानी संधारित्र का ये सिंबल है। उसके बाद ये जो तीसरा सिंबल है वह है किसका, प्रेरकत्व यानी L का। तो VL की जो वैल्यू है वो 100 वोल्ट है। तो अब इससे पता चल गया कि ये सर्किट जो है LCR सर्किट है। ठीक है, तब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि दिया है क्या, तो इसमें सबसे पहले हमको दिया जो जो चीज़ें दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हल, इसके बाद दिया है, तो इसमें जो जो चीज़ें आपको दिया उसको लिख लेना है। तो देखिए, ये किसका है, प्रतिरोध का है, तो प्रतिरोध का वोल्टेज भी आर इक्वल कितना दिया, 80 वोल्ट। और ये किसका वोल्ट है, ये है कैपेसिटर यानी भी सी का, ये दिया है आपका 40 वोल्ट। और इसके बाद ये किसका है, प्रेरकत्व का वोल्ट है, तो इसको लिखेंगे भी एल बराबर कितना दिया, 100 वोल्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है इसमें पूछ क्या रखा है, स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक। तो विद्युत वाहक बल को जो है वो भी इक्वल पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद पूछ रखा है आपका परिपथ का शक्ति गुणांक की ज्ञात कीजिए। तो शक्ति गुणांक को जो दिखाते हैं वो कास फाई से दिखाते हैं, कास फाई इक्वल क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हम अब देखते हैं कि ये कौन सा सर्किट है, LCR है, तो लिख देंगे कि LCR परिपथ में, परिणामी विभवांतर में निकलना है, लिखेंगे परिणामी विभवांतर तो प्रणामी विभवांतर भी इक्वल सूत्र होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो देखिए, यहाँ पे वी आर की जो वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, वी आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 80 वोल्ट। तो 80 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसके बाद वी एल का वैल्यू भी दे रखा है आपका कितना, 100 वोल्ट। तो 100
माइनस बीसी का वैल्यू कितना दे रखा है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट का होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना चीज हमने सॉल्व कर लिया। तो अब देखिए क्या है कि वी इक्वल आपका ये हो जाएगा, इसको आप खोलेंगे तो 8864 यानी 6400। ठीक है, इसका वर्ग कर जितना स्क्वायर होता है उतना जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपका भी इक्वल, ये हो जाएगा 6400 प्लस ये हो जाएगा आपका 6636000। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि भी इक्वल इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो ऐड कर दिए, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद 6 को 4 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 10 के 0, फिर 3 को 6 में 6 3 9 9 1 10, आप ऐड करके देख लीजिएगा इतना आएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000। 10000 का वर्ग अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये अलग है, इसको आप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 100 से काट लीजिए, 100 से कितने बार में कटेगा 100 बार में, फिर 100 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। तो वर्ग हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, तो ये हो जाएगा केवल 100। तो भी इक्वल क्या जाएगा, केवल 100 वोल्ट। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल है। इसको हम लिख देंगे कि भी बराबर 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल है। अब देखिए ये चीजें हमें पता हो गया। अब हमें क्या करना है, परिपथ का शक्ति गुणांक दूसरा नंबर जो दिया है इसमें, उसमें क्या है परिपथ का शक्ति गुणांक, हम यहां से लिख देंगे परिपथ का शक्ति गुणांक बराबर दूसरा है परिपथ का शक्ति गुणांक cos phi equal क्या आ जाएगा आपका VR/V, ये होगा। ठीक है, तो VR की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है गाइस, यहाँ पे हमने लिखा था VR की वैल्यू 80 वोल्ट और V की जो वैल्यू आई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना है 100 वोल्ट। यहाँ से हो जाएगा आपका cos phi equal VR की वैल्यू कितना दे रखा है 80 वोल्ट बट्टे इसकी जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 100 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर कितना 8/10, 10 का 8 में भाग देंगे तो आएगा 0.8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा शक्ति गुणांक का वैल्यू। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिख लेंगे कि दिया है हल करेंगे उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो देखिए ये सर्किट कौन सी है, इसमें क्या है, ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का वोल्ट कितना दिया है VR की वैल्यू 40 वोल्ट और ये किसका सिंबल है संधारित्र का, तो VC की वैल्यू कितना दिया है 20 वोल्ट और ये किसका है प्रेरकत्व का है, तो प्रेरकत्व का जो वोल्टेज है वो कितना है 50 वोल्ट। तो एक कौन सी सर्किट हुई, LCR सर्किट होगी। तब हम लिखेंगे LCR में LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर का सूत्र हमने क्या बताया था V इक्वल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए
यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको दिया है पहले उसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ये VR की वैल्यू है, प्रतिरोध का वोल्टेज है, ये कितना दिया 40 वोल्ट, और ये किसका वैल्यू है VC की, ये दे रखा है 20 वोल्ट, और ये किसका VL का है, ये दे रखा है 50 वोल्ट। और उसके बाद क्या आपको ज्ञात करना, विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद क्या ज्ञात करना है, परिपथ का शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का स्थाई इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि V इक्वल, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, VR की वैल्यू दे रखा है 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL की वैल्यू दे रखा है 50, VC की वैल्यू दे रखा है 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको सिंपली सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा आपका 4 × 16 प्लस 50 में से 20 गया 30 है, 30 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपकी V की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 1600 प्लस 3×3 = 9। अब इसके बाद आपका V की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 00 ऐड करेंगे 00, फिर 9×6 = 15 × 5, एक और एक, एक हासिल कितना हो जाएगा 25, इसको ऐड कर आप देख लेंगे। इसके बाद V इक्वल आ गया आपका, अब इसका वर्ग करेंगे आप तो कितना आएगा, 2500 का वर्ग आप करेंगे तो पहले 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, फिर 5 से काटेंगे एक बार में 100, फिर 5 से काटेंगे तो 5×2 = 10, 0, फिर 5 से काटेंगे तो 5×4 = 20, फिर 2 से काटेंगे 2×2 = 4, फिर 2 से काटेंगे 1, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे इसका, तो 5×5 = 25, 25×2 = 50, यानी ये हो जाएगा 5×5×2 = 50। तो ये आप ना लिखकर लिख देंगे V बराबर कितना 50 वोल्ट, ये हो गया। तो देखिए ये 50 वोल्ट है स्रोत का विद्युत वाहक बल, प्रतिवर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल। अब हमें क्या करना है, परिपथ का शक्ति गुणांक की ज्ञात करना है, परिपथ का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का स्थाई इक्वल सूत्र होता है VR/V। अब देखिए VR की जो वैल्यू है गाइस यहाँ पे दे रखा है कितना 40 वोल्ट, तो इसको लिख देंगे 40, और V की जो वैल्यू आई 50 वोल्ट आई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5×4 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5×8 = 40, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं।